फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के गांव खंजापुर में एक 10 वर्षीय छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया है। छात्रा के परिवार वालों का आरोप है कि एक व्यक्ति घर पर आया था जो कि परिवार के एक सदस्य का इलाज कराने को लेकर कुछ कागजों की फोटो स्टेट कराने की बात कहकर छात्रा को अपने साथ ले गया, जिसकी तहरीर थाना रसूलपुर में दे दी गई है। ये थाना रसूलपुर का गाँव खंजापुर है, जहाँ 10 वर्ष की छात्रा आरती का अपहरण हुआ है, ऐसा कहना है उसके परिवार वालों का। जब UP24 न्यूज के रिपोर्टर ने परिवार वालों से बात की तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति हमारे परिवार के एक सदस्य के इलाज को लेकर कुछ कागज लेने आया था और हमारी बेटी को साथ लेकर गया कि मैं फोटो स्टेट कराकर उसको ये सारे कागज दे दूंगा, लेकिन अब वह हमारी बेटी को लेकर ही गायब हो चुका है, जिसकी तहरीर हमने थाना रसूलपुर में दे दी है। वहीं थाना रसूलपुर पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है, वहीं ये जांच भी कर रही है कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जो कि छात्रा को अपने साथ लेकर गया है। फिरोजाबाद से सौरभ राजपूत की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या पूरी घटना हुई है जरा बताइए। इलाज करवाए देंगे लाखन सिंह ने हमारी तो वो दुकान में लाखन सिंह दुकान करता रही तो हमें कोई मैंने भगवान सिंह के लड़का आए हमने तो दिखा रहा हूँ इलाज तो हम रहता है बिजली बाग में चेकन फेकन करता है तामे रहता है हम पैसा ना तुम्हारे को लगे दवाई हम करवा देंगे। क्या वजह थी क्यों आपकी लड़की को पकड़ के ले गए? क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। क्या पूरी घटना हुई है बताइए। आया इनकी दवा के कराने के लिए कि हम आपकी दवा हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, हमें कुछ कागज दे दो। तो उन्होंने कागज निकाल के दिए, आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि मोबाइल नंबर है किसी का तुम्हारे पिताजी का? क्या है कि वो लड़की जानती है। तो इन्होंने लड़की को बुलाया और उसने नंबर बताया। नंबर बताने के बाद उसने फिर कहा कि मतलब कागज दे दो, हम फोटो स्टेट करा लाए उस लड़की को, साथ में ले जा रहे हैं। तो ये इन्हें से कह दिया कि आप कपड़ा पहन लो, हम अभी फोटो स्टेट करा के लाते हैं। तो ये मतलब घर में कपड़ा पहनने के लिए चली गई और वो लड़की को बैठा के मोटरसाइकिल पर ले गया। तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण हो सकता है कि वो इनकी बच्ची को पकड़ के ले गया? अब ये कारण तो मतलब उसी को पता होगा क्या है क्या नहीं है, किस मकसद से ले गया है।